तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80-90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है, मैंने सिर्फ 1 साल भूखा चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है, शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा है। हमारे गांव के महोत्सव में आज के शुभ दिन पर इस मल दंड पर जो चढ़ेगा उसे 1,00,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ए, उसे देख रही है जो सबसे ऊपर है, मैं उसी से शादी करूंगी। क्यों रे, उसमें से क्या बात है? मलदंड पर इतनी तेजी से चढ़ रहा है तो जिंदगी में कितना तेज होगा। मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी यार। क्यों काली, कोई मिली क्या? तुझे बताना जरूरी है क्या? अच्छा छोड़, इस मलदंड का हमारी जिंदगी में क्या संबंध है ये तू जानता है क्या? ओए, इस गांव में किसका किसके साथ संबंध है ये तू अच्छी तरह जानता है, आवारा कहीं के तू भी बता दे। अच्छा बताता हूँ, मलदंड पर जैसे ऊपर चढ़ा जाता है ना, ठीक वैसे ही जिंदगी होती है, उसमें भी हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। मलदंड, उसके बारे में बताया तभी मुझे जिंदगी का मतलब समझ में आया है। अपनी खोपड़ी में कपड़ा डाल के रख वरना लोग छेद करके खून पी जाएंगे। चले आते न जाने कहां कहां से। अबे उस हल्दी के पानी को इनके ऊपर फेंको तभी तो मजा आएगा ना। आप लोग थोड़ी चाय पियेंगे क्या? मैं अभी जाकर ये लोग आ गए क्या? ध्यान दीजिए गांव के प्यारे भाइयों बहनों, हमारे आज के महोत्सव पर हमारे गांव के एक बड़े आदमी, मेरे आदरणीय बड़े मालिक बैंक की छुट्टी करके परिवार सहित पधारे हैं। इनका नाम रामनाथ है, ये गांव इनके पूर्वजों का ही है, मुंबई की एक बैंक में मैनेजर है। अगर इनके बारे में कहा जाए तो ये राजेश खन्ना के बहुत बड़े फैन है, भक्त या प्रशंसक कुछ भी कह सकते हैं। ये रामनाथ जी की माँ है आंचल और पिता शंभुनाथ। रामनाथ जी अपने पिताजी से थोड़ा डरते हैं, वो थोड़ा भी तेज आवाज में कुछ भी बोले तो ओए, मैं तेरा बाप हूँ कि तू मेरा बाप है, ये कहकर चुप करवा देते हैं। ये रामनाथ जी की पत्नी है, नाम है आशा। रामनाथ जी ने इनसे शादी इसलिए की क्योंकि आशा पारिक राजेश खन्ना की बहुत सारी फिल्मों में हीरोइन हुआ करती थी। और ये है रामनाथ जी की बेटी, इनका नाम है आराधना। आराधना इसलिए क्योंकि ये भी राजेश खन्ना की एक फिल्म का नाम था। अब इनसे मिलिए रामनाथ जी के बेटे से। ए, दिले नादान, मुन्ना जरा संभल के।
शाबाश शाबाश मुन्ना। अरे ए, संभल के संभल के। शाबाश मुन्ना। हम जीत गए जीत गए। अब कोई मेरी बात मानता ही नहीं। क्या हुआ दादाजी, गहरी सोच में लग रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं, कोई आपकी बात नहीं मानता ऐसा सोच रहे हैं आप? अरे नहीं ऐसी बात नहीं मलिक, है मलिक। हा? अच्छा हुआ आप यही मिल गए, आप कहीं चले ना जाए इसीलिए मैं भागता हुआ आया। क्या बात है बेटा? मेरे बेटे का नाम आपको ही रखना है इसीलिए आया हूँ। इसे कहते हैं मेरी इज्जत करना, गॉड फादर की तरह। लेकिन तुम तो अकेले आए हो, बच्चा कहाँ है? अभी बुलाता हूँ। ए छोटू इधर आ। ये क्या है रे, मजाक करता है? नहीं मालिक, इसके पैदा होने के बाद से मैं आता रहा लेकिन आप मिलते नहीं थे। जब आप होते थे मैं आ नहीं पाता था, इसी क्रम में ये इतना बड़ा हो गया। इसका नाम नहीं रखा ना इसीलिए इसे छोटू कहता हूँ। इसके कहने का मतलब ये है कि पत्थर है तो कुत्ता नहीं है, कुत्ता है तो पत्थर नहीं है, ये कह रहा है। चुप कर, यहाँ कुत्ता कौन है और पत्थर कौन है बता मुझे। पता नहीं दादा मालिक, लेकिन ये समझिए कि बुढ़े मारे तो भी दर्द होता है। ठीक है इधर आ जा इधर। कान इधर ला। हरिदास हरिदास हरिदास। गॉडफादर। इसीलिए कहते हैं बोलना शुरू करे उससे पहले ही बच्चों का नाम रखो, समझ गए ना? चल आज से तेरा नाम ऋतिक है। वाह सुपर है पापा। हे यहाँ चल, अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? जल्दी आइए। देखिए ना पिताजी लोग देर कर रहे हैं, जल्दी आना। ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं आप, हम आ रहे हैं ना। तब तो ठीक है। लेट हो गए क्या? एक बच्चे का नाम रखा और वो 10 साल का हो गया। चलो बैठो, तुम बैठोगे? ठीक है। ए, जल्दी केले लेके जा वरना खराब हो जाएगा। जी बड़े मालिक, मैंने ही आपको आइडिया दिया और आप मुझे ही। आइडिया की तो ऐसी की तैसी। आ रहे हो कि नहीं? हाँ अभी आया, बोल दे। दादाजी कह रहे नहीं आ सकते। अरे तू भी अभी आया। क्या हुआ रे, बहुत जुबान चलाने लगा है? मैं नहीं पापा, वही। तू मेरा बाप है या मैं तेरा बाप हूँ? चल बैठ अंदर। आजकल बात ही नहीं मानता कोई। यहाँ उपस्थित सज्जनों को मेरा नमस्कार और बच्चों को मेरा आशीर्वाद। आज नेहरू जी का जन्मदिन है, बाल दिवस। नेहरू जी का मास्क पहनकर मुझे भी अपने साथ बच्चा बनाया, इसका मैं धन्यवाद देता हूँ। बच्चों को लेकर मैंने एक किताब में पढ़ा था कि छोटे छोटे हाथों की एक छोटी सी दुनिया है। यहाँ से शुरू एक कविता, बच्चे अगर बिगड़ जाए तो इनसे बड़ी कोई मुसीबत नहीं, यहाँ खत्म होती है कविता। इस कविता में सच ही तो कहा है ना, बढ़ते बढ़ते परेशानियां भी बढ़ती है। अगर तुम अपने स्कूल के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो तो सभी लोग अच्छी तरह से पढ़ो। बस मेरे बच्चों, मेरी कलम मेरी दोस्त और किताबें मेरी जिंदगी हमें ज्ञान देने के लिए है। और इसी के साथ मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री शंकर महाराज जिंदाबाद, मंत्री शंकर महाराज जिंदाबाद, अरे अरे जिंदाबाद। शांत हो जाइए, पीछे जाइए। हाथ क्यों उठा रहे हो? वोट देने वाला नाराज हो रहा है, उसका जवाब देना मेरा धर्म है। क्यों भाई, तुम्हारा नाम क्या है? लोकनाथ। लोकनाथ जी, तुमने मुर्दाबाद कहा, मुझे उसका कोई दुख नहीं है, लेकिन क्यों कहा तुमने? साहब मैं माटुंगा ईस्ट में रहता हूँ, मेरे एरिया में बिजली नहीं है साहब। हाँ। ट्रांसफार्मर निकाले हुए 10 दिन हो गए, बच्चों का एग्जाम भी चल रहा है साहब, वो पढ़ नहीं पाते साहब। अरे रे। बिना बिजली के
हम लोगों को रात का खाना शाम को ही खाना पड़ता है। सारे अधिकारियों से शिकायत कर चुका हूँ लेकिन कोई कुछ नहीं करता। लोकनाथ जी, हर किसी को कंप्लेंट करने का क्या फायदा, मेरे पास क्या होता। साहब, आपके ऑफिस में आकर आपके पीए को भी शिकायत कर चुका हूँ। शिवम, भूल गया था सर, अब ये सुनने को रह गया, तुम्हारी गलती की वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। ध्यान से सुनो, तुम क्या करोगे कैसे करोगे मुझे नहीं पता, आज शाम तक इनके एरिया में बिजली आ जानी चाहिए, ठीक है? ठीक है सर। अब देखिए ना, एक सही सवाल देश को उजागर करता है। इस तरह के लोगों की फोटो लीजिए ना, कितने दिनों तक फिल्मी लोगों की फोटो या नेताओं की फोटो अखबार में छापेंगे। लोकनाथ जी, हम दोनों का एक साथ एक फोटो होना चाहिए, लीजिए ना। साहब, अरे लोकनाथ जी, तुम यहां कैसे आ गए? मैंने बिजली के लिए तो कह दिया था। ओह, इन लोगों ने तुम्हारे अंदर बिजली डाल दी है। वो क्या है ना, ये सब मेरे फैंस हैं। ऐसे क्या देख रहे हो, सिर्फ फिल्मी लोगों के ही फैंस होते हैं क्या? मेरे नहीं हो सकते, है ना? बेवकूफ लोग हैं, कुछ भी गलत सलत समझ लेते हैं। वो क्या है ना, मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ डाला था ना, उसी वजह से तुम्हें आलाकर पीट दिया। अगर मैंने तुमसे हाथ मिलाया होता ना तो हाथ को काट डालते, अगर गले से लगाया होता ना तो जान से मार देते। खड़े हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें गले नहीं लगाऊंगा। तुम नेगेटिव क्यों सोचते हो, मुर्दाबाद वगैरह सब, पॉजिटिव ही सोचो हमेशा। जिंदाबाद, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद। गुड, नेताजी बड़े बुद्धिमान इंसान हो, ऐसे ही नारा लगाते हुए जाओ। नेताजी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद। लोकनाथ जी, तुमको ये चोट कैसे लगी अगर किसी ने पूछा तो? सड़क पर चलते समय कार से टकरा गया था, ये बोलूंगा सर। अरे भाई, तुम तो बड़े ही समझदार व्यक्ति हो, जाओ। यही है पॉजिटिव थिंकिंग। बस अभी आई अंजलि, उठकर तैयार हो जाओ, टाइम हो रहा है। इतनी जल्दी भी क्या, लफंगों की तरह सीटियां बजा रहे हो। अभी तक वो उठकर नहीं आई ना। ए अंजलि, अभी तक नहीं उठी ना तुम? ए, टाइम हो रहा है ना। हाँ, कहाँ चली गई? मुझे लगा सोती हुई लड़की को गायब देखकर घबरा जाएंगी, आप तो आराम से स्कूल जा रही हैं। लड़की होती तो घबराती ना, लेकिन तुम तो एकदम बदमाश हो। आप तो ऐसा ही कहेंगी, अच्छी टीचर है, अच्छी माँ है, लेकिन मेरे पापा की अच्छी पत्नी नहीं है। ऐसा क्यों? आज आपकी शादी की सालगिरह है, मंदिर जाकर आ सकती थी ना। मेरे पति ही मेरे भगवान है, तो मंदिर किस लिए? ठीक है, हॉट बॉक्स में नाश्ता रखा है, खा लेना, कॉलेज के लिए अलग से पैक करके रखा है, ये लो एग्जाम फीस। संभल कर, मैं चलती हूँ। सुनो, जल्दी कॉलेज जाओ, कॉलेज लेट पहुंचने पर फाइन के लिए अगर पैसे मांगे तो मार खाओगी। खड़ूस टीचर, ये तुम्हारा रोज का नाटक है। इस होमवर्क को कल कर सकती थी ना, कल सारे दिन टीवी देखा और अब स्कूल जाते समय होमवर्क कर रही है। देखो बेटी, या तो खिला दो या फिर डांटो, बच्चों को खाते समय डांटना नहीं चाहिए। पापा, जरा हजार रुपए दो ना। क्यों बे, ऐसे मांग रहा जैसे उधार दे रखे थे। अगर दिए हो तो ही मांग सकते हैं, नहीं दिए हो तो नहीं मांग सकते। ए, ए, सुबह सुबह चालू हो गया। अच्छा ये बता, ये हजार रुपए क्यों चाहिए तुझे? कारण बताऊंगा तो ही दोगे क्या? उसमें एक हजार से ज्यादा है। कोई बात नहीं पापा, एडजस्ट कर लेंगे।
आजकल तेरी चर्बी बढ़ती जा रही है, इसकी वजह तुम्हारे दादाजी ही हैं। देख लूंगा एक दिन तुम दोनों को मैं। कौन किसको देखेगा? वो कुछ नहीं दादाजी, हम दोनों को देख लेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। वो भी आज नहीं, किसी और दिन। वो क्या है कि इसकी चर्बी बहुत बढ़ गई है, इसीलिए ऐसा बोलता है। क्यों रे? दादाजी कुछ कह रहे हैं ये। सुन मुन्ना। यस पापा। जरा अपनी बाइक की चाबी दे। आपकी कहाँ है? उसे सर्विस में दे रखी है, शाम को जाके ले आऊंगा। अरे रानी को स्कूल छोड़कर ऑफिस चला जाऊंगा, वहां से गाड़ी ले लेना। पापा ये क्या, आपको बाइक दूंगा तो मैं कैसे जाऊंगा? ओए ये सब क्या बकवास कर रहा है भाई, काफी देर से देख रहा हूँ। ब्लडफुल देखना आज मैं क्या करता हूं। चिल चिल चिल, गुस्सा क्यों कर रहे हो पापा? गुस्सा इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको तो गुस्सा करना भी नहीं आता, आपके गुस्से पर तो मुझे सिर्फ हंसी आती है बस पापा। ओए बस ऐसे ही अपने बाप को बेवकूफ बनाते रहो तुम। वो सब रहने दो। हैं आपने सच में गुस्सा किया था क्या? तुझ पर मुझे गुस्सा कैसे आ सकता है, तू तो मेरा बाप है ना। तो फिर वो दादाजी? अरे अरे चल अब निकल यहां से। बाय पापा। ए स्टॉप 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 स्टॉप, मुझे सिग्नल मिल गया, तू निकल। अरे बाप रे, फ्रीजर से निकली हुई बिल्कुल फ्रेश माल लग रही है। हेलो, मेरे पास एक मोबाइल फोन है, आपके पास सिम कार्ड है क्या? हाँ है, लेकिन नेटवर्क यहाँ जेल में है। नेटवर्क जेल में कैसे? वो वहाँ दो खून करके गया है। तुम किसकी बात कर रही हो? हाँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड की बात कर रही हूँ। लड़की देखने में तो टॉप लग रही है, लेकिन बात करने में तो बहुत ही लोकल है। ठीक है, कोई दूसरा नेटवर्क ढूंढ लूंगा। अरे भाई तुम नीचे क्या ढूंढ रहे हो? क्या हुआ सर, फेल हो गए ना? पूछ तो ऐसे रहा है जैसे तूने भी सारी नो बॉल ही डाली थी। जी हाँ सर, फ्री हिट सर। ओहो यहाँ फ्री हिट भी है क्या? ये नंबर फिंगरिंग में आने के लिए बहुत ही आसान सा लग रहा है, क्यों भाई इसे ले सकते हैं? ले लीजिए ना सर, देने के लिए तो रखा है। ओके तो मैं ये नंबर रख ही लेता हूँ, लेकिन पैसे मैं एक झोल करने के बाद दूंगा, ठीक है ना? क्या सर? अरे मतलब कॉल लगाने के बाद यार। अरे हाँ, मैं हमेशा की तरह लिफ्ट गेट पे आ गया हूँ, तू सीधे हॉल पहुँच जाना। ठीक है भाई। क्या सर, सिर्फ हेलमेट ही है क्या आपके पास? करेक्ट, 50,000 का लोन लेकर, हर महीने उसकी किस्त भरकर, पेट्रोल भी भरकर, सड़क पर खड़े पुलिस वाले को भी रिश्वत दूं, मैं क्या इतना पागल दिखता हूँ? बस 300 रुपए का हेलमेट ले लो और लिफ्ट लेकर बस चलते रहो, ये अपना स्टाइल है। लगता है ब्रेक नहीं है, रुक गई। सुनिए मुझे सूर्या हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर सकती हैं आप? ऐसे क्या देख रही हैं? मेरे दोस्त के पापा का ऑपरेशन है, अर्जेंट है और ब्लड भी देना है मुझे। ओ सॉरी, बैठ जाइए। थैंक यू। हेलो, हाँ बस पहुंचने वाला हूँ, थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, थोड़ा तेज चलाएंगे आप? थोड़ा और तेज चला सकती हैं? हेलो, अगर इससे तेज चलाऊंगी ना तो हमें किसी और का ब्लड लेना पड़ेगा। अभी आगे से राइट जाएंगे ना तो जल्दी पहुंच जाएंगे हम। राइट में कैसे जा सकते हैं, वहाँ नो एंट्री है। जानता हूँ मैं, मुझे अर्जेंट ब्लड देना है, प्लीज। ओके। हम तो चले परदेश। अस्पताल जाने के बजाय ये कहाँ जा रहा है? देखा टाइम पर पहुंच गया ना। अरे कौन है यार ये, गजनी की असीम की तरह दिखती है। नई ड्राइवर है। तुझे बुला रही है, देख। मत देख उसकी तरह, ब्लास्ट हो जाएगी। क्या हुआ मैडम, बुलाया मुझे क्या मैडम? एक तो वन वे में, ऊपर से ओवर स्पीड में, फॉल्ट है ना? है चलो कोई बात नहीं मैडम, बेल फाड़ा तो 500, वैसे 300 में चलेगा, 3 नंबर भी शुभ है। सुबह सुबह बोनी हो गई आज। सभी लोग ध्यान दो यहाँ, फिर सारे सवाल आसान लगने लगेंगे। हाँ रमेश तुम बताओ। हाँ मैडम। अगर तुम्हारे पापा को मैं 300 रुपए दूँ, वो रोज तुम्हें 100 रुपए देते हैं, तो कितने दिन में वापस हो? चाहे कितने भी दिन हो जाए लेकिन वो वापस नहीं देंगे टीचर। हंस क्यों रहे हो, तुम बैठो। तुम रुक क्यों गए? अरे मैं दर्द हो रहा है टीचर। दर्द होने दो, होमवर्क किए बिना आना पहली गलती है, उसके अलावा होमवर्क किया है, घर पर छोड़ आया हूँ, ये झूठ बोला था तुमने, ये सबसे बड़ी गलती है। एक बुरा आदमी हमेशा अपने पहले झूठ से ही बनता है। लगाओ दंड बैठक, तुम सब ध्यान दो। टीचर ये रुक गई। लगाओ ना, पैर दर्द कर रहे हैं। दर्द हो रहे ना, पैसा कमाना कितना मुश्किल है तुम्हें पता होना चाहिए। जो पैसे दिए उसमें से सिर्फ 300 रुपए गायब हो गए, क्या मैं बेवकूफ दिखती हूँ? हाँ स्कूल टीचर हूँ तो आसानी से बेवकूफ बना दूंगी मुझे। लगाओ दंड बैठक। ठीक है बस
सुनो जाकर बैठो। ओके मैडम। दोबारा झूठ बोलकर देखना तब पता चलेगा। ये लो। यार कैसी है? ये देख स्माइल भी दे रही है। चुप बैठना तो। अरे छी! क्या हुआ भाई? होना क्या है? पेपर खोलो तो हर जगह नाजायज संबंध की खबरें। मैंने क्या पूछा और क्या जवाब दे रहा है ये ट्रैफिक क्यों है ये पूछ रहा हूँ मैं। भाई मंत्री जी आने वाले हैं। ओ, एक मिनिस्टर की वजह से इतने सारे लोग परेशान? ऐसा सिर्फ यही होता है वो भी मुंबई जैसे शहर में? सवाल तो अच्छा है लेकिन पूछेगा कौन? अबे सुन वहां देख तो। ये सब क्या सर? इतना ट्रैफिक क्यों ब्लॉक कर रखा है? सर ये आपकी सुरक्षा के लिए। मेरे लिए क्यों भाई? मेरे एक के जाने के लिए इतने लोगों को रोक के रखा हुआ है? ऐसा बस हमारे ही देश में होता है वो भी मुंबई में ज्यादा। ये लोकतंत्र है। ये देखिए यहाँ हुई गलती की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मेरी जानकारी के बाहर ये सब हुआ है इसलिए मेरी वजह से हुई गलती के कारण इतनी देर से आप लोग खड़े, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अब ऐसा कभी नहीं होगा। जय महाराज। नमस्ते। चलिए। अरे यार क्या बात है, जो बात तूने कही वही इस मंत्री ने भी कही। अच्छा नेता है ना। सर क्या हुआ? आप ही ने तो फोन करके कहा था सर ट्रैफिक ब्लॉक करने के लिए। हाँ कहा था, वो भी मैंने ही कहा था। अभी ये भी कह रहा हूँ मैं, कुछ बातें स्टेज लगाकर माइक लगाकर कहोगे तो समझ में नहीं आती है। उस भीड़ में कुछ हजार लोग होंगे ना, अब वो हजार लोग हजार हजार लोगों को बोलेंगे, 50,000 लोग 5,00,000 लोगों को जाके बोलेंगे, और 5,00,000 लोग 50,00,000 लोगों को, 50,00,000 लोग 5,00,00,000 लोगों को, सब वोट है ये। मुझे सीएम बनना है ना। नमस्ते। कहो नागराज कैसे हो? ठीक हो ना? ठीक ही हूं। अचानक ही मैंने ये बैठक क्यों रखी है सब लोग ये सोच रहे होंगे, वो बात विजय ही बताएंगे। अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, हमारे नेताजी मुख्यमंत्री पद और पार्टी की जिम्मेदारी से छुट्टी पाना चाहते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप, पद से हटना चाहते हैं? इससे अच्छा तो ये होगा कि आप पार्टी ही बंद कर दें, आप भी सर। ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है जी, पार्टी के मुखिया तो आप ही है ना, आपकी वजह से ही हमारी पार्टी आज टूटने की कगार पर है। आप कहिए शंकर नारायण। आपके सामने मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, वैसे भी अपने नागराज जी ने ठीक ही तो कहा है ना। पहले की तरह मेरा शरीर काम नहीं करता है, उसके अलावा भी बढ़ने वालों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। मेरे इस फैसले को आप सभी को मानना ही होगा। नेताजी मंत्री पद छोड़ने वाले हैं तो अब हमें उस पद पर किसी कुशल मंत्री का चुनाव करना होगा। वो जिम्मेदारी मैं विजय को ही देता हूँ। ये क्या कह रहे हैं? आप और विजय दोनों मिलकर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, नेता कौन होगा, अगर कंफर्म कर देंगे तो अखबार वालों को भी बुलाकर न्यूज दे देंगे। सभी को मेरा धन्यवाद। नमस्कार। मैं शंकर नारायण अपने राजनीतिक जीवन में अपने राज्य की सेवा करूंगा। मैं अपना कर्म कानून के अंतर्गत रहकर करूंगा। मैं मुख्यमंत्री पद के लिए यह शपथ लेता हूं। साहब अब तक जो आवाज आपके मन में गूंज रही थी अब वो मुझे भी सुनाई दे रही है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं शिवम, बहुत जल्द ही इस पूरे राज्य को भी सुनाई देगा। उसका वक्त नजदीक आ गया है। वक्त भले ही आ गया होगा लेकिन सपना पूरा नहीं होगा ना। अगला सीएम चुनने की जिम्मेदारी
मंत्री जी ने विजय के हाथों सौंप दिया ना। विजय और हमारे मंत्री नागराज जी कुछ ही दिनों में रिश्तेदार बनने वाले हैं। तो फिर बताओ कि अगला सीएम कौन बनेगा? हर कोई मौत की घंटी बजाता है, ये मरने के लिए घंटी बजा रहा है। हमारे नागराज जी जब सीएम बन जाएंगे तो आपको अभी आप जिस वार्ड में खड़े हो वही का मंत्री पद मैं दिलवा दूंगा, क्या कहते हो? यहाँ हत्या होगी या आत्महत्या होगी पता नहीं। शिवम, इसे ही कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। तुम मुझे बहुत पसंद आए। तुम्हारा नाम मासी? काशी। हाँ काशी। शंकर नारायण के सपोर्ट से ही बाल पांडे शहर के बाहर रहकर भी शहर को अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। भाई, बाल पांडे के तबेले में जो अकेले जाता है वापस नहीं आता है भाई। मैं वापस आऊंगा और उसके बाद वो पांडे जिंदा नहीं होगा। वो गले लगाता है और ये जान से मारता है। मैं क्या इतना फालतू हूँ कि उसके हाथों मारा जाऊं? अर्धनारी भाई है क्या? नमस्ते भाई, आपने मुझे बुलवाया था क्या? कौन है? एरिया का सरपंच बन रहा है। वो क्या है ना भाई के वो हट, आपके लड़के भी तो मेरे एरिया में आते ही है ना। कौन है? तो हार एरिया, सुन ले, पूरा शहर हमारा एरिया है भाई। हाँ। वो क्या है कि एक आसे हमने सुना है कि बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बड़े बड़े लोगों से पंगा लेता है, किसी दिन फंसेगा तो। अभी आप काम की बात कर रहे हो? तो काम पूरा करने आया है ना। मंत्री के सामने बोलने की हिम्मत करता है? उन्होंने कहा रखा लिफ्ट देने के लिए थैंक्स। ये थैंक्स कि उस दिन आपने मुझे लिफ्ट दी थी ना, आज मैंने तुम्हें दे दी। सो लिफ्ट का बदला लिफ्ट हो गया। अगली बार मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं दूंगा तो तुम भी मुझे मत देना। लेट्स स्टॉप इट राइट हियर, ठीक है ना? क्यों? अब ऐसे मेरे साथ आपको पीछे बैठे हुए किसी ने देख लिया ना तो लोग गलत समझेंगे ना। तो फिर उस दिन जब मैंने आपको लिफ्ट दी तब किसी ने देखा होता तो गलत नहीं समझते? नहीं समझते। अगर लड़की के पीछे लड़का बैठ जाए तो उसे लिफ्ट समझेंगे। ठीक वैसे ही लड़के के पीछे अगर लड़की बैठ जाए तो लिफ्ट के अलावा बाकी सब कुछ समझते हैं। यही साइकोलॉजी है। तब तो मुझे उस आने वाले सिग्नल पर ही ड्रॉप कर दो। कोई बात नहीं, बस स्टॉप पे छोड़ता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे वहीं छोड़ दीजिए। ओके। ओहो, यहाँ भी ट्रैफिक जाम। सारे के सारे लाइन पार किए बिना अपनी जगह पे रुक गए। मैं यही उतर जाती हूँ। काम चलाना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी लिफ्ट के बदले लिफ्ट, हिसाब बराबर हो गया। अच्छी बात है। अरे चाबी। पहले ₹300 फाइन भरो तब दूंगी मैं चाबी। सिग्नल पर अकेला आदमी यानी कि मेरा मुर्गा। क्या हुआ, बुलाया तुमने मुझे? सर वो ठीक है, गाड़ी तुमने बीच सड़क पर पार्क कर रखी है, ये तो गलत है ना। चलो कोई बात नहीं, बिल बनाया तो 500 नहीं तो ₹300 चलेगा। ये सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले गाड़ी साइड में लगवाओ। मैं पुलिस हूँ। तो क्या रिश्वत लेंगे क्या मुझसे? अबे तो चिल्ला क्यों रहा है? तो फिर गाड़ी उठवाओ ना। हे भगवान, ये तो हमारा वीक पॉइंट जान गया। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलो। छोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चल निकल। ये लड़की फंसा देती है ऐसा कहते सुना तो था, आज अपनी आंखों से देख भी लिया। ओए बात बंद कर, गाड़ी उठा। सर आपको नहीं, इसे कह रहा हूँ मैं। अरे इससे अच्छा तो भीख मांगना होता है, जो आप काम कर रहे हो ना। उठा, स्टैंड मत निकाल देना। अरे निकाल निकाल। क्या? अरे देने वाला था ना। कमल प्रताप सर,
उस वक्त बाइक सड़क के बीच में थी, अब तो आपने खुद ही इसे साइड में कर दिया है, है ना भाई? तो तू वही है? रुक अभी आता हूँ मैं, रुक। ये क्या ऐसे लंगूर की तरह भाग रहा है? पैर तो देख लंगड़े कुत्ते की तरह है। बिल बनाया तो 500 वरना 300, तुम चाहते क्या हो, 500 या 300? क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है ना? मुझे भी उस दिन ऐसा ही लगा था। ये लो चाबी, और अब से मेरे साथ ये उंगली अड़ाने वाले काम मत करना। क्या उंगली वाले, गलत टाइप की लड़की लगती है रे। अब निकाल। अब क्या है सर? बोर्ड नहीं देखा, नो पार्किंग। इस बोर्ड को लेने के लिए ऐसे भाग कर गए थे क्या? नहीं तो क्या तेरे लिए तलवार निकालने गया था? लगता है आप सबका सेटिंग है। तो वो सब तो ठीक है सर, पीछे एक गाड़ी पार्क है, उस गाड़ी वाले को पकड़ो ना। अच्छा वो कौन है? क्या हुआ मैडम, बुलाए मुझे? तुम हमेशा मेरे पास ही आकर क्यों फंसती हो? खैर तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, बिल बनेगा तो 500 वरना 300, डील या नो डील? समझदार लड़की है। ओके ओके, इसी तरह से आती रहना, मैं चलता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, आज उसे छोड़ना नहीं है। आज उसे पता चलेगा पंगा लेने से क्या होता है। अरे ये क्या है यार, पुरानी फिल्मों के विलन की तरह ये चक्कर क्यों लगा रही है? ए, क्या देख रहे हैं यहाँ, घूर क्या रहा है? गुस्सा आ रहा है, हम भी आज यहाँ बहुत गुस्से में आए हैं। तेरी वजह से उस दिन कॉलेज की फीस के पैसे फाइन में भरने पड़े, और कल इलेक्ट्रिक बिल के पैसों से फिर से फाइन भरना पड़ा। पता है मेरी माँ ने क्या पूछा? क्यों री, दारू वारू पीने लगी है क्या? ए, तू हंस क्या रहा है? हाँ, 300, 300, 600 प्लस मान हानि के 400 रुपए, कुल मिलाकर 1000 रुपए निकालो। 1000 रुपए? यहाँ तो 10 रुपए नहीं है। अगर तुम वो रुपए दोगे तो ही मैं यहाँ से जाऊंगी, और तुम लोग भी रुपए देकर ही जा पाओगे। ऐसे क्या घूर रहे हो? हाँ बोल ना, मुंह में जबान नहीं है क्या? बोल ना, ऐसे क्या घूर रहा है, बोल बोल ना। आई लव यू। क्या बात है, एक ही डायलॉग में सबके मुंह ऐसे खुलवा दिए। अगर इनको होश आ गया ना तो अपनी वाट लग जाएगी। चल निकलते हैं। चल निकल, चल निकल। ए, उठो। सोफा बैठने के लिए होता है, अगर लेटना है तो बेडरूम में जाकर लेटो। अरे लेकिन आप हैं कौन, आपको किससे मिलना है? उसी इडियट का घर है ना ये? हाँ है तो, पर आप कौन है? उसी इडियट से जाकर पूछो। अरे बेटी, ये बाहर किसकी स्कूटी खड़ी है? बेटी कौन हो तुम? आप कौन है? मैं हूँ इस घर का मालिक। मैंने खुद को मालिक कहा क्या? अच्छा आप कौन है और यहाँ क्यों आई है? ये बात अपने बेटे से जाकर पूछिए। ओहो, अरे क्या हुआ, सब्जी लेकर आ गए? कौन है ये जी? ये तुम ही पूछ लो ना। कौन हो तुम बेटी? आप कौन है? ये मुन्ना की माँ है। तुम कौन हो बेटी? ये बात आप मुन्ना से जाकर पूछिए। कौन है? ये जाकर मुन्ना भैया से ही पूछ लो। अरे भाई कहाँ है ये? सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरे सपनों की रानी। अरे आ गई वो, बाहर निकलना। अब तो ना आपको झेलना बहुत मुश्किल हो गया पापा, नहाने भी नहीं देते शांति से। शादी के बाद अलग से घर ले लूंगा मैं। वो सब तो शादी के बाद देख लेंगे, पहले बाहर तो निकल ब्लडी फूल। कूल कूल। कौन है वो? कौन कौन है वो तो मैं गाना गा रहा था माँ। वो बात नहीं है बेटा, तुझसे मिलने एक लड़की आई है। लड़की? और मुझसे मिलने? नहीं तो क्या तेरे दादाजी से मिलने आई थी? मेबी। ए बकवास मत करो, हॉल में जाकर देखो। अरे जा, जल्दी जा, जा तो सुन। अरे धक्का क्यों दे रहे हो? बताती हूं बच्चू, अब बोल ना आई लव यू। अरे चल तो सही, चल भैया, चल जल्दी, चलो। ये देखो यही है वो। अच्छा ये कौन है? ये कौन है? ये मुन्ना भैया है। ये नहीं है, मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो तो बहुत स्मार्ट दिखता है, ये इडियट कौन है? हेलो, तुम्हें कौन से एड्रेस पर जाना है? 32 नंबर विजय भारत नगर, यही है ना? ये 32 विजय भारत नगर है? गलत एड्रेस पर आकर स्मार्टनेस और स्टाइल दिखा रही हो, जाओ यहाँ से। सॉरी सॉरी। ठीक है जाओ। मेरे बेटे में क्या कमी है भैया, तो तुम स्मार्ट नहीं हो। चली, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। तो हिला गई यार। Hmm.
क्यों घर आकर धमकाओगी तो क्या लगता है डर जाऊंगा मैं? मैंने भी देखा था। क्या देखा था? चेहरे की उड़ती तितली। मैं क्या कोई फूल हूँ जो तितली बैठेगी? मैं कह सकती थी कि तुम्हें जानती हूँ, लेकिन तरस खाकर छोड़ दिया। अगर तुम मुझे पहचानती ना तो मैं भी तुम्हें पहचानता, और मैं कह देता कि हम दोनों के बीच में प्यार है। What? प्यार? हाँ, कल ही तो कहा था मैंने आई लव यू। ए, तुम पागल हो गए हो क्या? और कौन प्यार करेगा तुम्हें? Hello, Mr. Lawman. Kehna ye mera main hu ek doll. Jano ye tum bhi jano. Hello, baby, le lo jaan. Natak na itna karo. Katl dil ka kar dale. Oh, meri jaanam jano. Dil mein kya? Kaise main keh do naam dil tere? Kaise main kar do? Dil to mera hai awesome, awesome. Haiye yo kya? अपना किसी को तो दोगी एक ना एक दिन ओ मेरी रान क्यों क्यों तू मुझसे है रोटी अय्यो क्या करूं तेरे चोरी किया तूने दिल में है तू ही मेरे मन में इस दिल में तेरी याद जिस दिन से आई सपने मेरे मैके से है रे करो कत्ल दिल का कर डाले ओ मेरी जानम जानो तेरा पागल देखो देखो जरा कोया कोया सा है रे आ जा रे आ जा चल मेरे क्या मन में है रे जानोगे क्या तुम जानोगे रे मौका मिला है रे आ हम मिले ए हीरो ठहरो ना करो छेड़ खड़ी यूं मुझे को हाँ होती है मन में गुदगुदे गुदगुदे तुम्हारा हाथ तो फौलाद की तरह लगता है और मेरे हाथ मलाई की तरह मुलायम है। अगर हम दोनों के बच्चे हुए ना तो कॉफी की तरह ही देखेंगे। ये बताओ तुम्हारे अंदर कोई और फीलिंग्स नहीं आती? अगर तुम्हारे साथ रहकर मैं किसी और फीलिंग्स में रहा ना तो देखने वाले मुझे कुछ और ही समझेंगे। बातें अच्छी करते हो हमेशा ऐसे ही रहना। हेलो हाँ दिल नादानी बोल रहा हूँ। तू रख मैं बाद में फोन करता हूँ। ये नादान नादान क्या है? तुम्हारा पूरा नाम है क्या? अगर मजाक नहीं उड़ाओगी ना तो ही बताऊंगा। मजाक उड़ाने जैसा नाम है क्या? ऐसा क्या नाम है? दिले नादान। दिले नादान, वाओ कितना खूबसूरत नाम है। सच कह रही हो तुम? बिल्कुल सच। तुम्हारा ये नाम किसने रखा? मेरे पापा ने रखा था। छे, ये बात पहले पता होती तो मैं तुम्हारे पापा से प्यार कर लेती। सुन नंदिनी, तुझे देखकर मुझे कुछ कुछ हो रहा है। ए, चुप कर। तुम्हें देखकर तो वो पागल हो जाएगा। दूल्हे वाले आ गए, जल्दी से लड़की को तैयार कर दो। तैयार हो गई है, आ रही है।
लड़की तैयार हो रही है, अभी आ जाएगी। अभी तक तो सिर्फ पार्टी में ही दोस्ती थी और अब तो रिश्तेदार बन रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है मंत्री जी। ऑल राइट, सुसके ही हैं, तुम लोग जाओ बाकी की तैयारी करो। साहब आप आउट हो गए। नहीं हुए साहब, वहाँ वो रिश्तेदारी होने वाली है और आप बेवजह गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। वो नागराज सीएम बन गया है तो। शतवाणं भवते शतेन्द्रके आयुच्छतेन्द्रके प्रतिष्ठति दीर्घमायुः दीर्घायुष्यमस्तु। पापा एक मिनट, मुझे शादी नहीं करनी है। ये क्या कह रही है? क्या बकवास कर रही हो? रुकिए अंकल, मैं बात करता हूँ। What happened नंदिनी? What's your problem? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे ये शादी नहीं करनी। But why? क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं हो। क्या गलती की है मैंने? सिगरेट पीता हूँ, दारू पीता हूँ या लड़कियों के पीछे घूमता हूँ, क्या करता हूँ मैं? कुछ नहीं करते हो। अब तक जिसने कुछ नहीं किया तो वो शादी के बाद क्या करेगा? कहना क्या चाहती हो तुम? तुम मर्द नहीं हो। मेरे सामने मेरी बेटी को मारा तुमने? अगर मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसे तुम्हारे जैसे सीधे लड़के पसंद नहीं आएंगे। इसने तो खुलेआम कह दिया था इसे मॉडर्न लड़का चाहिए, तो ये इसे क्यों पसंद करेगी? हेलो। हाँ बोल। लगता है इसे बहुत एक्सपीरियंस है। क्या बात है, पीछे बहुत शोर हो रहा है। सब आपका लगाया हुआ बॉम्ब है जो अब धमाका कर रहा है। ऐसे थोड़ी देर सुनने दे मुझे अपने कानों से। ठीक है सुनिए। तूने मुझे हेल्प करने का अच्छा सिला दिया, अब मेरी बात ध्यान से सुन ले। इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में मैं तेरे साथ किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। लगता है आपने वहाँ खेल खराब करा दिया। ऐसा क्या किया आपने वहाँ? हेलो, कौन? मेरे बारे में जानकर तुम क्या करोगी? तुम्हारे बैग में एक सीडी। सीडी? कैसे सीडी? हाँ है तो, लेकिन इसमें क्या है? तेरे बाप का खेला हुआ मम्मी पापा वाला खेल, तेरी माँ के साथ नहीं किसी और लड़की के साथ। तुम बेटी हो, देखोगी तो पाप होगा, माँ को दिखाओगी तो महापाप होगा। अगर टीवी चैनल को दूंगा तो हिंदुस्तान की जनता के लिए ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन मुझे क्या करना होगा? तो मंत्री जी सच में उस सीडी में? शिवम, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, वो सीडी खाली थी। तब तो अगले सीएम आप ही होंगे, है ना? हमेशा अगले सीएम मैं ही रहूंगा। बैठिए ना मंत्री जी, आप ऐसे गुस्सा करेंगे तो कैसे चलेगा? और नहीं तो क्या, कैसी लड़की पैदा कर रखी है? इसके अलावा कोई और लड़की ही नहीं है क्या? हाँ ये बात तो है, हजारों लड़कियां मिलेंगी शहर में, लेकिन नागराज के मुंह पर कालिक पूज जाए ऐसी लड़की से रिश्ता करना होगा। देख क्या रहे आप, मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूं उसे अगर आपके बेटे का रिश्ता हो गया तो नागराज घुट घुट कर मर जाएगा। ऐसी कौन सी लड़की है? मेरी बात पे नाराज मत होइएगा, वो अपने शंकर नारायण की बेटी है ना। ये क्या बोल रहे हो तुम? इन्हीं क्यों डांट रहे हैं, मैंने तो पहले ही कहा था बस ये ना। ए, मुंह बंद करके अंदर जाओ। मंत्री जी, भाभी जी सही कह रही हैं। क्या सही कह रही है? हम एक ही पार्टी में हैं लेकिन हमारा शंकर नारायण से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा इतने दिनों तक इसके साथ रिश्ता रखा, अब उनके पास जाऊंगा तो? अरे आप क्यों जाएंगे वहां पर, मैं हूं ना यहाँ। वो बात नहीं है साहब, सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा। क्या सोच रहे हैं? हाँ कह दीजिए। अभी कुछ मत कहो, बाद में बात करेंगे, सही समय का इंतजार करो। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। क्या हुआ, बात हुई या नहीं? हेड या टेल? मंत्री जी दाल पकने वाली है। पकेगी, पकनी होगी। पापा। यस माय बॉय। शॉपिंग के लिए जाना था तो अकेले चले जाते। ऐसा क्यों बे? अगर कोई सुंदर सी लड़की दिख जाए हाँ? तो लाइन तो मार सकते थे। तो मुझे सिखाएगा, मैं तेरी उम्र में कैसा था पता है? हेलो, हाय अंकल। हाय, लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। एक एड्रेस ढूंढते हुए आपके घर आई थी, इतनी जल्दी भूल गया? ओह हाँ, याद आ गया, लड़के का सही एड्रेस मिल गया ना? हाँ हाँ मिल गया अंकल। He must be your good friend. दोस्ती करने के लिए मेरी सहेलियाँ हैं ना, तो लड़कों से क्यों करूँ? हाँ, फिर तो ये प्यार ही है। ये कौन है, आपके भाई है क्या? तो ये दिखने में ऐसा लगता है क्या? वो बात नहीं अंकल, आप बहुत जवान लगते हैं। थैंक यू बेटी। कि बेटे की शादी हो गई क्या? अरे तुम ये क्या पूछ रही हो बेटी, तुमने अपने माँ बाप को परेशान किए बिना अपने लिए लड़का देख लिया, और एक ये है मेरी पूछ पकड़ कर मेरे ही पीछे पड़ा है, टोटल वेस्ट। पापा दिस इज टू मच। ओए ये जीप बीच सड़क पर क्यों खड़े कर दी? बेबी के सामने हीरो बन रहा है, अभी दिखाता हूँ तुझे।
ए, कोई यहाँ से नहीं जाएगा। क्यों वे सेठ ने घर का भाव पूछा था ना, पैसे लेकर पेपर पर साइन कर दिया होता तो उसे मेरे पास क्यों भेजा। अब देखा ना, घर भी गया और पैसे भी गए। ठीक है ठीक है, जल्दी से इस पेपर पर साइन कर ले। सोच क्या रहा है, साइन कर। कुछ तो गड़बड़ से। क्यों साइन करें? सेठ जी बोलेंगे तो कर देंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। क्या बात है, क्या तेवर है, इसकी मालकिन तू ही है क्या? इस चौराहे पर तेरे शरीर को बिना कपड़ों के देखने के लिए बहुत सारे लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, जल्दी बाहर निकलना, बाहर आ, आने जाने मन। अरे यहाँ की भीड़ क्यों है, जरा गाड़ी रोकना। मैं देखता हूँ कि आखिर बात क्या है। ठीक है, ये क्या बदतमीजी है? अरे छोड़ो, देखो ये सब क्या हो रहा है? अरे कोई तो देखो ये गलत है, ये गलत बात है देखो कौन है तुम लोग? साइन करेगा या नहीं? जब तक इसे नंगा नहीं करोगे लगता है भाई साहब साइन नहीं करेंगे। चलो नंगा करो। अरे वो उसकी साड़ी खींच रहा है और आप लोग तमाशा देख रहे हैं। आप लोग एंजॉय करो यार। चलो चलो छोड़ दो पापा, ये गुंडे लोग। अरे बाबा सुनिए मेरी बात, कहाँ जा रहे हैं आप? छोड़ मुझे, इन गुंडों के बीच में जाकर आप क्या करोगे? मैं चुपचाप ये सब देख रहा हूँ, छोड़ो मुझे। पापा मेरी बात तो सुनिए। पापा चलिए ना। जाओ बहन, तुम यहाँ से। अकल नहीं तुम्हें? बीच सड़क पर औरत की साड़ी उतार रहा है, छी, तुम जाओ यहाँ से। इतने सारे लोग तमाशा देख रहे हैं तो तू इतना आग बबूला क्यों हो रहा है? क्या करेगा तू? अरे पापा छोड़ ना। क्या करेगा तू? तू कहाँ जा रही है? चल छोड़। पापा मेरी बात सुन, यहाँ से जाओ। एक बार में तुझे समझ में नहीं आता है, बहरा हो गया क्या? यहाँ जो हो रहा है मैं सिर्फ देखता हूँ। पापा यहाँ से चलते ना। जा रहे पापा। रुकिए पापा, ये मेरे पापा है। तू पागल है क्या? तेरा बाप है तो यहाँ से दूर ले जाना। ये मेरे पापा है। आवाज नीची करके बात कर, तेरा बाप है तो क्या हो गया? आरती उतारी उसकी। ये मेरे पापा है। चल बेटा, चल बेटा, चलते हैं। ए! कहाँ जाता रा? हम तो अभी बचले बानी। नहीं चल बेटा, चलते हैं। का बेटा के बाप, आपन बेटा के छुपा के ले जा रहा बड़ा। उ मर्दे बाना के हमरा जैसन
एक्सक्यूज मी, यहाँ स्मोक नहीं करते, बाहर जाइए। कितने आदमी थे? एक ही आदमी। एक ही था। सुनो, मैं कह रही हूँ ना, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता। चल निकल। कौन था रे? नहीं जानता भाई। वो कौन है, कहाँ है, उस पर नजर रखो, उसको हम मारेंगे। और अर्धनारी कहाँ है? ए, अर्धनारी, साले हिजड़े, एक आदमी ने इतने लोगों को पीट दिया और तू वहां खड़ा होकर देख रहा था? उसको मारना चाहिए था या फिर खुद मर जाना था? उसको छोड़कर तू यहां पर आके बैठा है? शर्म नहीं आती? बाल पांडे की इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। तू अर्धनारी, ए अर्धनारी, अर्धनारी, ए क्या हुआ तुझे? ए! गुड मॉर्निंग पापा। संडे के दिन नहा धोकर खा पीकर सो रहे आप, मेरे साथ थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते। अब मैं एक्सरसाइज करके क्या करूंगा बेटा? सही तो कह रहा हूँ पापा, अगर आप थोड़े से पतले हो गए ना, हाँ। तो फिर एक मस्त सी लड़की देकर आपकी शादी करवा दूंगा। अरे वाह वाह वाह, ये शुभ काम तू क्यों करना चाहता है? ऐसा कुछ करेंगे या नहीं ये देख रहा था मैं। मैं तेरी इच्छाओं को पूरा नहीं करूंगा। दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की कौन है पता? कौन है? तेरी माँ ही है। बाप रे, आप ऐसा मानते हैं? क्यों बेटा, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? आप जैसा तो कोई नहीं है। ये लो पियो। नहीं, वो नहीं दे दीजिए। हेलो, उसे जान लो, तुम तो मेरी जान हो ना। मैं दिले नादान बोल रहा हूँ। अबे दिले नादान, ये अचानक तुझे क्या हो गया? अरे मैं बाद में बात करता हूँ। नहीं नहीं, मुझे अभी सच जानना है। कह दिया ना, बाद में फोन करता हूँ। हेलो पापा। कौन है वो? गोपी था पापा। फोन पर कौन है ये नहीं पूछा, वो लड़की कौन है? लड़की कौन लड़की? तुझे मैं शुरू से कहता आया हूँ कि दिले नादान बोला कर, दिले नादान बोला कर, लेकिन तू नहीं बोला और अब पहली बार अपना पूरा नाम बता रहा है। उस नाम से पहले का दिल किसका है? पापा आप ही बताने बेटा। ये अभी तक आई क्यों नहीं? पापा है, ये आपका हाथ क्यों कांप रहा है? वो लड़की देखने आए हैं ना, इसलिए थोड़ा सा। लड़की मेरे लिए देखने आए हैं या आपके लिए? पहले अच्छी तरह से सोच लीजिए। बात यह है कि नई लड़की है ना, इसलिए थोड़ी टेंशन हो रही है। मेरे लिए लड़की देखने पर इतना टेंशन है? तो माँ को देखने गए थे तब क्या हुआ था? मैंने कहाँ देखा, तुम्हारे दादाजी ने देखा था और मैंने शादी कर ली, और दूसरे दिन शादी के बाद मैंने तुम्हारी माँ को पहली बार देखा था। ऐसा क्यों पापा, आपने तो मुझे बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के पाला। मैं जैसे रहना चाहता था ठीक वैसे ही पाला है मैंने तुझे। यू आर द रियल हीरो पापा। यस आई नो, बट आई वांट टू गो नाउ। बट वेयर? दिस। उसके आने का टाइम हो गया पापा, इसीलिए तो टेंशन हो रही है। मैं होकर आता हूँ बेटा, प्लीज प्लीज। हाय अंकल। हाय स्कूटर बेबी, तुम यहाँ कैसे? मैं अपने लवर से मिलने आई हूँ। ओह अच्छा, मेरा बेटा भी एक लड़की से प्यार करता है, उन दोनों को मिलाने के लिए ही मैं आया हूँ। ऑल द बेस्ट। सेम टू यू। इस लड़की से कौन फंसा होगा? पहले मैं अपना काम कर लूं। मैं कुछ नहीं, जो भी कहना है तुम्हें कहना है, ठीक है? अरे तुम इस लड़की के साथ क्यों बैठे हो? क्यों बेटी, उस दिन तो कहा था किसी और लड़के से प्यार करती हो। किसी और से नहीं अंकल, हाँ। आपके ही बेटे से। अरे नालायक,
उस दिन बाइक पर भी ना जाने क्या क्या बोलते हुए गए थे ना। मजाक कर रहा था। मजाक कर, मैं मजाक दिखाता हूँ। नहीं पापा, अभी दिखाता हूँ। छोड़िए पापा, छोड़िए, इन्हें मत मारिए अंकल। ओ ओ, वो सब छोड़िए ना पापा, बताइए लड़की कैसी है। ये लड़की उस दिन हमें धमकाई थी, अब जिंदगी भर तुझे धमकाएगी। अरे अरे सॉरी अंकल। मैं तो मजाक कर रहा था, सॉरी कह दिया ना, अब तो अच्छी ही लड़की वो है। सब ठीक है पापा, लेकिन ये मीटिंग किस लिए पता है आपको? किस लिए है? आपको ही दादाजी से कहकर। दादाजी से? प्लीज पापा, प्लीज। आपको ही सभी को राजी करना है। मैं कैसे पापा से? अभी तो आपको रियल हीरो बोला था ना मैंने। ये बात है, बहुत दिन हो गए पापा से मार खाए, आज तो खानी ही पड़ेगी। अच्छी है। आराम, अंदर आ जाओ। पापा, वो ना आपसे एक जरूरी बात करनी है मुझे। पहले बैठ जाओ, मुझे भी तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वो क्या है ना पापा की, वो मैं तेरा बाप हूँ या तू मेरा बाप है? लीजिए बैठ गया। मेरी बात सुनकर गुस्सा करना या मुंह बनाना, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा दिले नादान एक लड़की से प्यार करता है। तुम्हारी आंखें बड़ी क्यों गई? ऐसा करना भी मना है। मेरे पास सुबह आकर कहा उसने, दादा मैं एक लड़की को प्यार करता हूँ। अब आपको ही पापा माँ दादी सबको राजी करना होगा। मैंने भी उसे अपनी जुबान दे दी, ठीक है ना? ओह, तो आप दोनों यहीं पर है? क्या बेटी, क्या बात है? पापा जी वो ना, मैं इसे बाहर जाने के लिए कह दूं क्या? नहीं पापा, इन्हें भी यहीं रहने दो। ठीक है बोलो। पापा गुस्सा मत कीजिएगा, वो अपना मुन्ना एक लड़की से प्यार करता है। देखा ना आपने, आप लोगों को अभी से गुस्सा आ गया, इसीलिए आप लोगों के डर के कारण वो मेरे पास आकर कहकर गया। बेचारा, माँ तुम्हें ही किसी तरह सबको राजी करना होगा कहकर रोने लगा था, इसीलिए आप लोगों से पूछे बिना मैंने हाँ कर दी। अरे वाह, सब लोग यही पर हैं? क्यों, कोई जरूरी बात करनी है क्या तुम्हें? हाँ। दिले नादान एक लड़की से प्यार करता है ना? हाँ जी, उसने तो सिर्फ मुझसे ही कहा था, तो आप लोगों को पता कैसे चला? वो धोखेबाज इंसान। मैंने किसी से नहीं कहा, पहली बार तुमसे कह रहा हूँ। पता है क्यों? तुम सबकी लाडली हो, तुम्हारी बात का कोई बुरा नहीं मानेगा। मेरी प्यारी बहना, तुम्हें मेरी नया पार लगानी होगी, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। अभी तक तेरी कहानी खत्म नहीं हुई। अरे अच्छे से प्रेस करो ना माँ, मेरे सारे कपड़ों में नेशनल हाईवे की तरह चार लाइनें बना देती हो। क्यों ना कहोगी, मैं स्कूल से आकर घर का खाना बनाकर कपड़े धोकर तुम्हारे कपड़े भी इस्त्री करती हूँ, इतना सारा काम करती हूँ मैं। तुम ये भी कहोगी और इससे ज्यादा भी कहोगी। अच्छा वो सब छोड़िए, आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलूं क्या? बोलो। मुझे अगर किसी से प्यार हो जाए तो आप क्या करोगी? चप्पल पड़ेगी। थैंक यू। हेलो भाई, वो अभी लोनावाला के कॉफी शॉप में आया है। तुमने मुझे अचानक से ऐसे क्यों बुलाया? बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? अपने प्यार की बात घर में सब जान गए। तो क्या बोले वो? कैसे कहूं, समझ में नहीं आ रहा। ओके कह दिया। वन को प्लीज। कहाँ है वो? अंदर ही है भाई। तो लोग वहां जाओ, तुम पीछे जाओ और तुम वहां बाइक के पास वहां पर। अगर इतना ही डरते हो तो प्यार क्यों किया? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अर्थ नारी के बहुत का बदला आज हम जरूर लूंगा। हाँ, करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, समझे ना? तुम बाहर जाकर बाइक निकालो, मैं बिल पे करके आती हूँ। इतनी देर क्यों लगा दी? बहुत लंबी लाइन थी।
पत्नी को उस ईश्वर की देन मानी जाती है, लेकिन पति को कभी किसी भगवान का वर नहीं माना गया, क्योंकि एक मर्द की जिंदगी में सबसे मुख्य हिस्सा पत्नी का होता है। वो इसलिए क्योंकि एक पुरुष को जितने संबंधों की जरूरत होती है वो सब ऊपर वाला तय कर देता है, लेकिन औरत का चुनाव तुम ही कर लो ये कहकर हम पर छोड़ देता है। अगर हमारा चुनाव गलत हो जाता है तो उस भगवान के बनाए सारे रिश्ते वहीं खत्म। शादी के बाद एक पत्नी अपने पति की बात मानकर, बड़ों का सम्मान करके, मिलजुल कर प्यार के साथ रहती है, ऐसी लड़की एक आदर्श बनकर समाज को नई राह दिखाती है। ठीक उसी तरह शादी के बाद मर्दों को पत्नी की बात माननी चाहिए, उनकी बात समझनी चाहिए। मैं भले आप लोगों का मंत्री हूँ, लेकिन मेरी मंत्री मेरी पत्नी है। यहाँ सामूहिक विवाह में शामिल होने के लिए आए सभी जोड़ियों को मेरा सस्नेह आशीर्वाद। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यही बात करनी जरूरी है क्या? अरे तुम चुपचाप आओ ना। आओ बेटी अंजलि, ये लड़का कौन है? पापा, इनका नाम दिले नादान है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरा आशीर्वाद साथ है। देखा ना, आप हम दोनों के प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे ये सोचकर डर रहा था। क्यों बेटा, मेरे ऊपर ऐसा अविश्वास क्यों? शिवम। हाँ जी। दो मालाएं और एक मंगलसूत्र लाकर इनके हाथ में दो, इसी मुहूर्त में इन दोनों की शादी करवा देते हैं। अरे बापरे, नहीं सर, मेरे पापा माँ दादा दादी सब लोग हैं। हाँ। मैं उनके आशीर्वाद से ही ये शादी करना चाहता हूँ, अभी नहीं सर। अच्छी बात है, अच्छे लड़के को पसंद किया बेटी। थैंक्स पापा। ठीक है बेटा, तुम्हारे मुताबिक ही करेंगे। नीचे जाके बैठो, शादी देख के जाना। बेटा आशा। हाँ। तैयारी हो गई? हाँ हाँ। सब आने ही वाले हैं, फिर कहोगे ये नहीं है वो नहीं है। सब तैयार है। ठीक है ठीक है ठीक है। हे, तू यहाँ क्यों बैठा है? सब आने वाले होंगे। तो मैं क्या करूँ? तो मैं क्या करूँ, सब कुछ तो कर ही दिया, अब क्या मंजीरा बजाऊँ? हाँ क्यों रे रामनाथ, ये कैसी अजीब बात है। वैसे तो लड़के वाले लड़की को देखने जाते हैं, पर वो लोग लड़का देखने यहाँ आ रहे हैं। उस पर पापा क्या कर सकते हैं दादाजी, उन्होंने आने की बात कह दी, उनके आते ही उनसे पूछ लेना। क्यों रे, तू बाप का सपोर्टर है? यस। एनी प्रॉब्लम? नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार, कॉलोनी में सबको नमस्कार। पापा, वो लोग आ गए। आओ बेटा। क्या हुआ? हाँ माँ, आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते माँ जी। है, आइए बैठिए। आइए आइए बैठिए। बैठिए, बैठो। वैसे तो हमेशा लड़के वाले ही लड़की देखने आते हैं, ये कुछ उल्टा हो गया ऐसा सोच रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, आप एक मिनिस्टर हैं, इतने सिंपली हमारे घर आए हैं, यही हमारे लिए खुशी की बात है। वहाँ वहाँ कॉफी। सीधे बैठो। हाँ लीजिए ना, यहाँ रख दो। तो फिर जो बात है वो हम कर लेते हैं। इसमें बात करने का क्या है, अगले मुहूर्त में ही शादी रख लेते हैं। हाँ जरूर। अंजलि के भी एग्जाम्स खत्म नहीं हुए,
खत्म होने के बाद ही शादी रखते हैं ना, तो उससे पहले सगाई तो हम कर ही सकते हैं ना। किस लिए जी, इसे ही सगाई समझ लेते हैं, एग्जाम होने के बाद सीधे शादी रख लेंगे। ये भी सही रहेगा, क्यों? हाँ, शादी पक्की होने के बाद हमने कुलदेवी के मंदिर जाने की मन्नत की थी, अगर आप लोग भी साथ आए तो कितना अच्छा लगेगा ना। हमारे पास समय कहाँ है? तो फिर भाभी को हमारे साथ भेज दीजिए। शादी से पहले लड़की को भेजना अच्छा नहीं लगेगा। क्या अच्छा नहीं लगेगा, शादी से पहले भी रिसेप्शन कर सकते हैं, आप लेके जा सकते हैं। तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ जी। अच्छी बात है। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नेताजी, काहे बुलाया हमें, क्या बात है? मंदिर का घंटा बजाने के लिए बुलाया है, खून करना है, मेरे भविष्य को चूर चूर करने के लिए किसी ने जाल बिछाया है। क्या कह रहे हैं? मेरी लड़की एक लड़के से प्यार करती है। पता है हमको? तो जानकर भी चुप बैठा है, मार देता उसको। आपकी पहचान का है इसलिए छोड़ दिया, नहीं तो उसको मार के हिसाब बराबर कर लिया होता। अब बोल दिया ना, टपका दूंगा। रुको, एक छोटा सा करेक्शन है, छोड़ दो उसको। तो फिर उसके परिवार में किसी को टपका दे। हमको समझे नहीं? सुन, अगर उसको कुछ हो गया ना तो जनता मुझ पे शक करेगी, उसके परिवार में किसी को टपका दे, मातम के नाम पे शादी एक साल तक टल जाएगी, उतना ही काफी मेरे लिए। ए शंकर नारायण, ये यमराज के सारे राइट्स तेरे पास हैं क्या? कर दूंगा नेताजी। मौत कत्ल की तरह नहीं दिखनी चाहिए, प्राकृतिक लगनी चाहिए, एक्सीडेंट की तरह। साहब, आप जो भी करते हैं एकदम अलग करते हैं। पांडे, कल वो लोग गांव जा रहे हैं, वहीं खत्म कर दो। छोटे मालिक, क्या सोच रहे हो, शुरू करो ना। ए, उस गोटी को मत उठाना, वो तुम्हें उड़ा देगा। क्या दादा मालिक, आप ऐसे ही छोटे मालिक को बताते रहेंगे तो मैं कैसे जीतूंगा? खेलना तेरी बारी। ये दादा मालिक है और ये छोटे मालिक है, तो इनके पापा कौन है? वो तो बड़े मालिक है ना। और माँ? मालकिन माँ। दादी? मालकिन दादी। तो फिर आंचल कौन है, मालकिन बहन है? जी नहीं, मालकिन बेटी है। तो मैं कौन हूँ? आप हमारे दोस्त हो। अखिल रुक जा, तेरी बचाता हूँ। तो तू कौन है? हाँ? मैं तो सिर्फ मालिक ही हूँ। कैसे हो भाई? तो तू आ गया? आ गया बुढ़ा। बस कब आए आप? बाकी लोग भी आ गए क्या? नहीं, कोई नहीं आया, मुंबई में रह गए। साला हमेशा झूठ बोलता है। क्यों दादी, उस बुड्ढे को देखकर आप इतना शर्मा क्यों रही थी? उन्हीं को तो मैंने पहले पसंद किया था, जाइए भी। अच्छा, उस आदमी को पसंद किया था? उसका थोबड़ा तो देखो, कहीं से आदमी दिखता है क्या? अगर उन्हें पसंद किया था तो आपसे शादी कैसे हुई? छोटे मालिक, वो कहानी मैं जानता हूँ। उस जमाने में शादी करने के लिए प्रतियोगिता रखी जाती थी, पत्थर उठाने को बोले, इन्होंने उठा लिया। पैर जमा कर खड़े होने को कहा, ये खड़े रहे। गोटी लांगने को कहा, उनसे नहीं हुआ, हमारे दादा मालिक गोटी भी लांग गए और लड़की भी उठा ली। गोटी को लांग गए कैसे दादाजी? हाँ, इसे पकड़। ये क्या है? हाँ, गोटी है। सारे लोग गोटी डालकर फंसाते हैं, दादाजी ने गोटी लांग कर फंसा ली। तो फिर दादी से शादी झूठा खेल खेल कर की? झूठा खेल नहीं खेला था, वो बलवान है, मैं बुद्धिमान हूँ। आचल, बहुत खेल लिया तूने, माँ बुला रही है। लेकिन मुझे तो आवाज सुनाई नहीं दी। मैं कह रहा हूँ ना, माँ बुला रही है, चलो जाओ। झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं जाती हूँ, कल तुम्हें भी इसी तरह मुझे सपोर्ट करना होगा। ज्यादा बोलती है, चल जा, बड़े भाई से ऐसे बात करते हैं। तो अब हम लोग शुरू करें। ओए, तू कौन है? मैं चूहे पकड़ने आया हूँ भाई। सारे के सारे चूहे तू पकड़ लेगा तो सांप तुझे डस लेगा बे। चल निकल यहाँ से। वाह वाह, क्या गाना है।
क्यों छोटे मालिक, ये गाना मेरे मोबाइल पे भेजेंगे क्या? तू जा कर रहा है? अरे ये बैल बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए इसकी नथ खुलवाने जा रहा हूँ। तो पहले वहाँ जा, वरना तेरी खुलवा दूंगा। गलत समय पर आ टपका। गुस्सा क्यों रे? चल राजा, लगता है हम लोग गलत समय पर आ गए। ये नथ खुलवाना क्या होता है? वो खुलवाने वाले से जाकर पूछो, सारा मूड खराब कर दिया। अंकल हाँ? मेरा एक डाउट है। आजा पहले ये पकड़ो, पैसा देकर भी ऐसा नारियल कहीं नहीं मिलेगा, पी कर देखो। अंकल नथ खुलवाना किसे कहते हैं? अरे अरे भागो यहाँ से। ये क्या अंकल, नारियल से अपना मुंह साफ कर रहे हो? अरे तुमने ऐसा क्या पूछ लिया जो ये जॉगिंग करते चले जा रहे हैं? ये नथ खुलवाना किसे कहते हैं? नथ खुलवाना, ये दरवाजा खुलवाना, ताला खुलवाना, कपड़े खुलवाना, ऐसा ही कोई खुलवाने जैसा काम है ये तो मैं समझ गया, लेकिन कैसे खुलते हैं, क्या खुलते हैं, हाथ से खुलते हैं या पैर से खुलते हैं ये नहीं पता। कुल मिलाकर तुम्हें कुछ नहीं पता। Yes, ये पकड़ो। Right you are. और हाँ हाँ, if you know the answer, please SMS me, हाँ? ए, चल, oh, thanks. आंटी, हाँ? ये नथ खुलवाना कैसे कहते हैं? वो ना, मैं जाकर पानी लेकर आती हूँ। सुनिए जी, कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा। आप चुपचाप किताब पढ़िए ना। ठीक है दादाजी, मुझे कुछ पूछना है। पूछो ना बेटी। मेरे पूछने पर जवाब दिए बिना भागना मत। अरे तुम किनसे क्या सवाल पूछ रही हो? तुम इनकी जनरल नॉलेज के बारे में नहीं जानती। ये पुराने जमाने के ग्रेजुएट हैं। जो पूछना है बिंदास पूछो। ठीक है, ये नत खुलवाना किसे कहते हैं? वो है कि हाँ? एक बैल की फैमिली प्लानिंग को कहते हैं। अरे बाप रे, अब समझ आया कि सब ऐसे क्यों भाग रहे थे। ए, इन केलों को पहले डिक्की में रख। चलो सामान गाड़ी में रखो। तुम लोग जाओ, हम लोग कल आ जाएंगे। कल? वो किस लिए? क्यों, तुझे बताना जरूरी है क्या मैं तेरा बाप हूँ या तू मेरा बाप है? बात वो नहीं है पापा, बिना गाड़ी के कैसे आएंगे आप? हम आ जाएंगे बेटा। वो बात नहीं है, कल आ जाएंगे ना पापा। अब चलिए। ओए, मैं तेरे बाप हूँ या तू मेरे बाप है? आप ही मेरे बाप है। आइए चलिए। आप गोपी, चलो गाड़ी में बैठो। हाँ, कहिए दादी। इसे ले जाकर अच्छे तरीके से रख दो। ये अरे चला क्या हुआ? आपातकालीन में काम आएगी। अरे जल्दी से गाड़ी चला रहा है। चला रहा भाई, अच्छी तरह से। अरे जल्दी से चलाने को बोला ना। चले जाना। चला। अरे जल्दी से बैठने को बोला ना तुझे। चलो बैठो। हाँ चलो जल्दी से दादाजी। बाय बाय पापा। बाय बाय। हेलो, कौन है? क्या हुआ? हाँ तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। दादाजी बेटा राम, हमने ऐसा क्या पाप किया है जो ऐसे अनाथ के जैसे मरेंगे? ओए, कुछ नहीं हुआ, बोलना चाहिए था ना तेरे को। बोलने का दिया, उससे पहले ही फोन कट कर दिया। नारियल का पेड़ तार पर गिरा और तार घर के ऊपर, जिससे घर पे आग लग गई और आग लगने के बाद सारे सिलेंडर फट गए। अच्छा दादी जी, जब घर में आग लगी तब आप लोग कहाँ थे? हम तुम्हारे साथ इसलिए नहीं आए क्योंकि हमारे गांव के सिनेमा घर में अपना पराया फिल्म चल रही थी। कहते तो तुम लोग जाने नहीं देते, इसीलिए बिना कहे चले गए। उसी समय घर में आग लग गई थी बेटा। अब ये रोनी सूरत क्यों बना रखी है? हा? चल खुश हो जा, तुझे अलग से कहना पड़ेगा क्या? Cheer up.
अरे बाप रे, क्या हो गया? ये तो एक्सीडेंट हो गया। चलो चलो, अरे इधर आइए, आइए आप लोग। आइए शंकर नारायण जी। नेताजी नमस्कार। आप हमारे घर आना चाहते हैं ये काली यादों ने बताया है। आपके पद के हिसाब से आप हमारे घर आएंगे, इसलिए मैं ही पहले चला आया। हमेशा तो साथ ही रहते हैं ना, तो फिर ये पॉइंट ये कैसे पकड़ते हैं? क्या हुआ नेताजी, कोई जरूरी बात है क्या? काली यादव ने कुछ बताया नहीं क्या? कुछ नहीं बताया। काली आज तो तू गया। वो क्या है कि हम सामने आकर बात कर लेंगे सोचकर छोड़ दिया हमने। नेताजी जो है वो आपके यहाँ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। हम ही नहीं समझ पाए तुझे आज तक। दरअसल आपकी बेटी के साथ मैं अपने बेटे की शादी कराना चाहता हूँ। अरे इसके लिए इतना हिचक क्यों रहे आप? इतना सुनने के बाद, अंजलि मेरी बेटी नहीं है, अब आपकी बहू है। मुहूर्त कब है, शादी कब रखनी है बता दीजिए, हम अपनी बेटी के साथ आ जाएंगे। वो क्या है कि एक बार आपकी बेटी की भी इच्छा जान ले तो। नेताजी आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। मैंने उस नागराज की तरह अपनी बेटी को नहीं पाला है, मेरी बनाई लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेगी, डर से नहीं इज्जत की वजह से। हाँ। यहाँ दो। धन्यवाद। ये लो। साहब के सामने मैं नहीं पी सकता। ले ये दीजिए साहब, ये लीजिए। अब आगे शादी का ही खाना होगा, आप तैयारी कर लीजिए। यहाँ के विष्णु भगवान के दर्शन करो तो आपके घर जल्दी ही शादी की शहनाई बजेगी। मेरी बेटी की शादी पहले से ही तय हो चुकी है, इसीलिए भगवान की अर्चना करने मंदिर में आई हूँ। चलती हूँ मैं। सुन लो, कोई भी मेरे पास मत आना, मेरी बात मानो। अगर मेरे पास आने की कोशिश की तो इसके गर्दन काट डालूंगा। मेरे पास मत आना। काट के तो दिखा। माँ, सभी को नमस्कार। नमस्कार। बैठिए बैठिए बैठिए। अब बहन जी कैसी है? घबराने की कोई बात नहीं है जी सर, जान को अब कोई खतरा नहीं है। तूने तो बचा लिया डॉक्टर, अब तुझे कौन बचाएगा? इनका ख्याल रखना। अच्छा अब मैं चलता हूँ, आप दोनों साथ रहकर ख्याल रखना। बेटा गांव में घर का जलना, तुम्हारी माँ पे वार होना, ट्रक एक्सीडेंट में तुम्हारे बाप का बचना, इन सब का कारण क्या हो सकता? अब शनि का खेल है। तुम एक काम करो, परिवार समेत काशी जाके वहां गंगा नहा के आ जाओ, तभी शनि शांत होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेट मत करना बेटा, तुरंत निकल जाओ, बाकी सारी तैयारी मैं करवा दूंगा। अब चलूं मैं? क्या हुआ बेटा, कोई ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था क्या? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? पांडे, काशी जाने वाले वापस नहीं आने चाहिए, यात्रा के लिए गए एक परिवार दंपति की मौके पर मौत हो गई, एक खबर आनी चाहिए। विजय और मैं रिश्ता करने वाले हैं, इसलिए सब लोगों को टपका दो, इस बार कोई कहानी मत सुनाना मुझे। क्या हुआ साहब, फोन को ऐसे क्यों देख रहे हैं? पाप धोने के लिए काशी गए, परलोक पहुंच गए, खबर अभी तक नहीं आई। शिवम ये बताओ, उनको जाते हुए तुमने देखा था ना? मैंने देखा था साहब, सब परिवार गए थे बेचारे।
ये लीजिए अंकल प्रसाद। क्या हुआ बेटा, काशी नहीं गए लगता है? हाँ अंकल, जैसा आपने बताया मैंने दादाजी से कहा, वही प्रॉब्लम शनि की नहीं है बेटा, राहु केतु डिस्टर्ब कर रहे हैं कहकर हमें हरिद्वार ले गए। अरे तो कहना चाहिए था, हमारे आदमी वहां पर भी हैं। अंजलि और आंटी घर पर नहीं है क्या अंकल? नहीं है। क्यों, उनसे कुछ बात करनी थी? नहीं अंकल, आपसे बात करनी थी। तो कहो बेटा। पर्सनल बात करनी है। ये अपना ही आदमी, कोई बात नहीं, बोलो बेटा। वो कैसे कहूं समझ में नहीं आ रहा अंकल, आप गुस्सा मत करिएगा। गुस्सा होने से तुम क्या कहोगे, चलो बोलो। इस शादी को रोक देते हैं। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ जी अंकल, जब से इस शादी की बात शुरू हुई है तब से मेरे परिवार में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। लगता है मेरी और अंजलि की कुंडली मिल नहीं रही है। कुंडली मिल नहीं पाई है तो उसका उपाय किया जा सकता है, उसके अलावा? वो ठीक नहीं होगा अंकल, मुझे मेरे परिवार से बहुत प्यार है और मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बेटा तुम्हें अगर अपने परिवार से प्यार है तो मुझे भी अपनी बेटी से प्यार है। मैं भी इसीलिए तो कह रहा हूँ, अब तक ये बात मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताई, आपसे ही कह रहा हूँ। अंजलि को प्यार करने वाला मैं मना कर रहा हूँ तो आप मेरे हालात समझ सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? प्लीज अंकल, अंजलि और आंटी को आप ही समझा सकते हैं। शिवम, कुछ लोगों को जहर देकर मार सकते हैं, कुछ लोगों को मीठा देकर भी मार सकते हैं। ये परेशानी तो मीठे से ही खत्म हो गई। मुझे जहर मिलेगा या मीठा? बोलो पांडे। अभी तक तो यहाँ कोई भी नहीं आया। नहीं आएंगे, तुम वापस आ जाओ। और हाँ, इस ऑपरेशन को छोड़ दो, उन लोगों का कुछ मत करना। काहे अचानक का हो गया? अरे पांडे, मेरी परेशानी अब खत्म हो गई। साहब आपकी परेशानी खत्म हो गई होगी लेकिन हमारा हिसाब खत्म नहीं हुआ। उसे मारकर अर्धनारी की मौत के बदले का हिसाब पूरा होगा। जल्दबाजी मत करो पांडे। पांडे भी ज्यादा बोलने लग गया। और कुछ दूं पापा जी? बस बहू। अरे बहन जी आप आइए ना। अरे आइए आइए। क्यों, तुम अपने आप को क्या समझते हो? प्यार करते हैं शादी करा दो, यही कहा था ना? अब क्या हुआ जो लड़की पसंद नहीं है कहकर शादी से इनकार कर रहे हो? तुम कौन हो, तुम्हारा परिवार कैसा है, ये सब नहीं देखा हमने? तुम प्यार करते हो ये सुनते ही उन्होंने अपना पद स्टेटस गौरव सब कुछ अलग रख कर तुम्हारी शादी के लिए राजी हुए थे ना, उनको अच्छा सिला दिया तुमने। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या हुआ? ऐसे बेकसूर की तरह पेश मत आइए। मेरे पति अच्छे और सीधे हैं इसलिए आप लोग अभी तक बात कर पा रहे हैं। मेरी बेटी की जिंदगी के साथ खेला है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। किसी लड़की का रिश्ता तय हो जाए और अचानक टूट जाए तो कल उससे कौन शादी करेगा? आपके घर में भी एक लड़की, ये मत भूल जाइए। अरे सुनिए सुनिए, hey, ये सब क्या है? हाँ पापा, मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। अरे पागल हो गया है, तुझे क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ पापा, बस मुझे ये शादी नहीं करनी। वही तो पूछ रही हूँ क्यों। अरे hey, पूछ रहे हैं ना, बताना। जिस दिन से इस घर में शादी की बात शुरू हुई है तब से कुछ ना कुछ हो रहा है। गांव में घर का जलना, आपकी तरफ ट्रक का आना, माँ की गर्दन पर चाकू रखना, अगर अभी ये हाल है तो शादी के बाद क्या क्या हो सकता है? उसका इससे क्या लेना देना है? पापा वो मनहूस लड़की है। hey, क्या पागलों जैसी बकवास कर रहा है, ये उसकी जिंदगी का सवाल है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। ये मेरी भी जिंदगी है, मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ। ये सब क्या बकवास कर रहा है तू, कान खोल के सुन ले, वही इस घर की बहू बनेगी। तो फिर मैं इस घर का बेटा नहीं रहूंगा। अरे अच्छा, तो फिर ये घर छोड़ के चला जा। देख क्या रहा है, निकल जा यहाँ से। ये क्या चुप, उसे रोकिए ना। जिस दिन से उसने बड़ों की बात माननी बंद कर दी है उसी दिन से उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, जाने दो उसे। ये लो। पापा इसे क्या हुआ? रूठे से
सपने हैं टूटे से किसी की लगी नजर क्यों हुआ न मुहर लम्हा राहों की ये दूरियां कैसे कटेंगी तन्हा सजी थी हंसी अभी तो लबों पे हाथ में थी डोर चाहतों की महकी थी फजाए खुशबू से उसकी अंजलि क्या हुआ पापा तुम्हारी जगह और दूसरी लड़कियां होती तो अभी भी रोती मिलती लेकिन तुम हंस रही हो किसी भी तरह मैं तुम्हारी शादी उसी लड़के से करवा दूंगा इसीलिए ना ये आप कह रहे हैं पापा आप उससे शादी करवाएंगे मेरी नहीं पापा जिस दिन उसने ना कहा था उसी दिन से मैंने भी सोच लिया कि मैं ये शादी नहीं करूंगी आज किसी भी वजह से वो मुझे ना कह रहा है शादी के बाद किसी और वजह से ना कह देगा उस पर कैसे भरोसा करूं मैं वो तो ठीक है बेटी लेकिन फिर भी दो दिन और सोच लो उसके बाद कोई अच्छा फैसला करेंगे नहीं पापा मैंने बहुत सोच लिया है आप मेरे लिए दूसरा लड़का ढूंढिए अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं क्या कर सकता हूँ लेकिन मैं जिस लड़के को पसंद करूं आप जिसे भी पसंद करेंगे मुझे मंजूर होगा पापा ऐसा पैसा पैसा
साथ कर चल ओ लता नहीं पिल ओ हम तो बस मांगता जाने तेरा दिल ये मजा 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 पापा मजा पापा 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 दो पैक ले ले रे पहले का ये दिन बोतल का रंगीन पानी पी मदरासी पी ले तो बंगाली बोले हुल्लड़ मचा खुल के सबसे मिल सोडा मिला के भी पानी मिला के भी दारू दबा के भी राजा मस्ती में आके भी बस्ती में जाके भी सबको पिला के भी राजा सुबह को जाके भी शाम को आके भी अपना है इलाका मजा मजा पापा मजा पापा 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 मजा 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 देखो कौन है? देखो जल्दी से गाड़ी के सामने क्यों है? मुझे बचा लो अंकल। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ पे कैसे? अच्छा हुआ आप आ गए। ये तुमको क्या हो गया बेटा? पांडे के लोग मेरे पीछे पड़े हैं। बाल पांडे, वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ेगा? उसके और मेरे बीच एक प्रॉब्लम है अंकल। वो तो ठीक है, लेकिन इस समय तुम यहाँ कैसे आ गए? अंजलि से शादी नहीं करूंगा कहा तो पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। हे भगवान, ऐसा हुआ? ठीक है बेटा, तुम मेरे गेस्ट हाउस में ठहर जाओ। अंकल वहीं सेफ जगह है बेटा। क्यों शिवम? हाँ हाँ जी साहब। चलो बेटा आओ। शिवम पहले इनका फर्स्ट एड करना होगा। जी साहब। कौन है? राम है जी पापा। क्या हुआ इस समय यहाँ? नींद नहीं आ रही है। आधी रात में नींद नहीं आ रही है, जाकर लेट जाओ, नींद खुद आ जाएगी। कोशिश की थी लेकिन ये क्या बहस पे बहस किया जा रहा है? तू मेरा बाप है या मैं तेरा बाप हूँ? जब मैं उसे घर से बाहर निकाल रहा था तभी कहा होता तो आज वो हमारे साथ घर पर होता। न जाने वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। तू अब रो क्यों रहा है? उसने ऐसा किया है तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। तुम जाकर सो जाओ, बहू इसे ले जाकर सुला दो। जा आइए। भाई पार्टी तुमने मुझे दी है ठीक है, पर सिर्फ मैं ही पी रहा हूँ, तुम क्यों नहीं पी रहे हो? वो क्या है ना, कहीं वो यहाँ ना आ जाए इसलिए डर लग रहा है मुझे। कौन? बाल पांडे ना। उसका बाप भी यहाँ नहीं आ सकता। वो बाल पांडे है तो हमारे साहब बवाल पांडे हैं। ये क्या कह रहे हो? सच जी तो कह रहा हूँ। हमारे साहब के बारे में कह रहे हो? यस, वो बाल पांडे है तो हमारे साहब बवाल पांडे हैं। हमारी बात हमें बहुत लेट सुनाई दे रही है, ये दारू बहुत लेट किक देती है। अगर गले लगाए तो समझो किसी को टपकाना है। वो बाल पांडे है ना, उसका हमारे शंकर नारायण साहब के साथ संबंध है, आई मीन इलीगल कॉन्टैक्ट। आई अप्रिशिएट। मुझे क्या करना है? एनी हेल्प? साहब। हाँ बोलो। वो बाल पांडे के लोग आकर मुझे मार पीट कर उस लड़के को उठाकर ले गए साहब। क्या बोल रहे हो? मुझे मारा उसकी कोई फिक्र नहीं है साहब, लेकिन आपका फोटो भी तोड़कर चले गए। तुम फोन रखो, मैं देखता हूँ। ठीक है साहब। हेलो कमिश्नर। बोलिए सर। वो बाल पांडे हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, अब उसको और छूट देना ठीक नहीं। ले बेटा साले टकले। अरे उसे क्यों तोड़ा? फोन पर कहा ना मैंने कि फोटो तोड़ गए, तो बात सच दिखनी चाहिए ना, कंटिन्यूटी मेंटेन। जरा इधर तो घूमिए। अरे मुझे क्यों मारा भाई? तुम्हें मारकर ही मुझे उठा ले गया था ना, कंटिन्यूटी जम नहीं होना चाहिए। ये लो।
आ गया मरद, अकेला ही आया है? बाल पांडे को तूने दूध ढोने वाला समझा है का? दूध पिलाता है पांडे, और आज तुझे भी दूध पिला के रहेगा। मुझे पिलाने वाले मेरे घर में बहुत लोग हैं, लेकिन तेरा तो ऐसा कोई नहीं है, सुना है मैंने, इसीलिए मैं तुझे पिलाने चला आया। पांडे, बाल पांडे, क्या हुआ, घबरा गया? पहले मार खाए लोगों से तुम्हें पूछ लेना चाहिए था। आ जा, आना। अरे, अब तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? एक खास आदमी से मिलाने के लिए। खास आदमी से? कौन है वो? वो देखो, यही है जिसकी मैं बात कर रही थी। नाम नादान है, मेरा पुराना लवर। लवर? हम दोनों के बीच एक साल तक रिलेशन रहा। एक साल तक? लेकिन मैं इसे पसंद नहीं आई, ना कहकर हाथ छोड़ दिया। हाथ छोड़ दिया? ए मिस्टर, हे, तुमने मुझे ना कह दिया तो क्या कोई और लड़का नहीं मिलेगा मुझे? ये देखो, यही है वो जिससे मैं शादी करने वाली हूँ। तुम्हें इसी तरह का पागल मिलेगा। कौन है पागल? तू पागल है। तू है। तू पागल। तू। तू। हाँ? हाँ? पागल। निकल जाए यहाँ से। हेलो, तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? प्यार किया तो शादी कर लेनी चाहिए थी। शादी और इससे? इसकी शक्ल नहीं देखी थी इसके लिए प्यार कर बैठा, इससे शादी कौन करेगा? अरे ऐसा मत बोलो यार, प्यार में तुमने क्या क्या किया होगा मैं समझता हूँ, प्लीज मान जाओ यार। मुझे पसंद नहीं है, कहा ना तेरे को, जा तू शादी कर ले। ओए, प्यार तुमने किया और शादी मैं करूँगा? ओ तो तुझे भी पसंद नहीं है क्या? एक काम कर, अपने पापा से ये कह कि ये लड़की मुझे पसंद नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता यार, तुमने शादी नहीं की तो इसकी शादी मुझसे करा देंगे। ओ तो एक काम कर, मेरी बात अगर तू मानेगा ना तो इस लड़की से मैं तुझे आसानी से छुटकारा दिलवा सकता हूँ। लड़के की कुंडली अंजलि के साथ मेल नहीं खा रही है जजमान। ओ पंडित, मैंने मुहूर्त देखने के लिए कहा है, कुंडली मिलाने के लिए नहीं, सिर्फ मुहूर्त देखो। उस कुंडली से मैं ठीक है जजमान।
आइए नेताजी, आइए बहन जी, अपनी लड़की की और आपके लड़के की कुंडली मिला के मुहूर्त देख रहे हैं। जो शादी हो चुकी है उसका मुहूर्त देख रहे हो, कैसे आदमी हो तुम? नेताजी मेरी बात सुनिए, मेरे बेटे से शादी नहीं करवाना चाहते तो ना कह दीजिए, इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? शंकर नारायण, मेरी बेटी की शादी करवाने वाला तू कौन होता है? तुम्हारी बेटी की शादी मैंने, ये क्या कह रहे हैं आप? पता तो नहीं लगा लेगा ये। लड़के लड़की को अंदर छुपाकर हमारे सामने नाटक कर रहा है। हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, यही कह रहे थे ना तुम? फिर ये बीच में रिश्ता कैसे जुड़ गया? हाँ नेताजी, हाँ जी, आप दोनों की दोस्ती एक मिसाल है। आपको देखते ही मुझे जलन हुआ करती थी। दोस्त ऐसे होने चाहिए थे ऐसा लगता था। जब आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए तो मुझे बहुत दुख हुआ था। ये जन्म से झूठ बोलता आया है या झूठ बोलते हुए जन्मा है? आप दोनों का बिछड़ना दोस्ती के लिए ही नहीं, हमारी पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन बच्चों की शादी के सपने को किसी कमीने ने पत्थर मार के तोड़ दिया। कमीना कहीं का। ये दोनों अगर एक हो गए तो आप दोनों भी एक हो जाएंगे, ऐसा मैंने सोचा था। चाहे मेरा कितना भी नाम क्यों ना बदनाम हो जाए, इन दोनों की शादी करवा दी मैंने। गुस्से में हमेशा इंसान नुकसान ही कर बैठता है। आप लोगों को ज्ञान देने वाला मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन बिछड़े हाथ को मिलाने के लिए बड़ा होना कोई जरूरी नहीं है। नागराज आओ चलते हैं। शिवम। जी साहब। यहाँ क्या हो रहा है? साहब यहाँ क्या हुआ उससे ज्यादा जरूरी है, वो दोनों फिर से मिल गए हैं। कल होने वाली मीटिंग में हो सकता है नागराज सीएम के लिए चुन लिया जाए, उसे रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए ना। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा यही बताने आया हूँ। विजय के फैसले पर आप लोगों को तो कोई आपत्ति नहीं है ना? हमारी पार्टी में अगले मुख्यमंत्री या पार्टी के मुख्य होने की योग्यता सिर्फ एक ही में है। एक मिनट रुको विजय, जरा टीवी ऑन करना। ऐसे किसी भी स्वार्थ के बिना अहिंसा से हक के लिए लड़ने का नाम है अनशन करना। आज मेरे इस तरह अनशन करने का कारण क्या है पता है? हमारे मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री, मैं अब तक जिनको देखकर बड़ा हुआ, अपने पारिवारिक काम को छोड़कर यहाँ राजनीति में आया, और आज वो मंत्री जी अपने पद से हटना चाहते हैं, राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। ऐसा दिल दहला देने वाला फैसला किया है, ये मैं नहीं झेल सकता। अब तक मैंने उनके सामने कुछ भी नहीं बोला, इसलिए मैं यहाँ की जनता की तरफ से आया हूँ। उन्हें पद नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें अपना फैसला बदल देना होगा। अगर नहीं बदलेंगे तो इसी अनशन के जरिए मैं अपना फैसला कर लूंगा। नेताजी आप क्यों खड़े हो गए? तो और क्या करूं मैं, चलो शंकर नारायण से बात करते हैं। अगर आप वहां जाकर अनशन रुकवाएंगे ना तो विपक्षी पार्टी वाले बोलेंगे कि आप शंकर नारायण से मिलकर यह सब करवा रहे हैं। तो फिर ये मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। ठीक है नेताजी, आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्ते मंत्री। नमस्ते नमस्ते।
आपके इस अनशन की वजह से ही मैंने अब दूसरा फैसला लिया तो है। ये पहले से ही फैसला कर चुका है। आप सबको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं अपने आप को मुख्यमंत्री पद से अलग करना चाहता हूँ। इसकी चर्चा मैंने अपनी पार्टी में की थी। मैंने पद त्यागने का फैसला तो किया था, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसी बारे में सोच रहा था। अब मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है। इसके लिए हमारे शंकर नारायण। अब मंत्री जी से कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए साहब। अपने शंकर नारायण जी अगले मुख्यमंत्री होंगे इस पर हम सभी खुश तो हैं, लेकिन इस कुर्सी पर आपके अलावा कोई सही नेता नहीं है, यही हम कहना चाहते हैं। जब तक आपका कार्यकाल है आप मुख्यमंत्री बने रहे, यही हमारे शंकर जी की भी इच्छा है, इसीलिए वो अनशन भी कर रहे हैं। इनका मान रखते हुए आप मुख्यमंत्री के पद पर हमेशा बने रहे। मंत्री जी आप भी कुछ कहिए ना। इनके बात बिल्कुल सही है मंत्री जी। शंकर नारायण हाँ। तुम हमारी पार्टी में हो, इस पर हमारी पार्टी को गर्व है। सिर्फ शंकर नारायण ही नहीं बल्कि आप सभी लोगों की इच्छा को देखते हुए मैं ही मुख्यमंत्री बना रहूंगा। भाई आपने जैसा कहा था मैंने कह दिया, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। अब डरते क्यों, अब उस आदमी का खेल खत्म होने वाला है। चलिए मेरे साथ। आप सभी लोगों की इच्छा को देखते हुए मैं ही मुख्यमंत्री पद पे रहूंगा। आप सभी लोगों की इच्छा को देखते हुए मैं ही मुख्यमंत्री पद पे रहूंगा। इतने दिन तो सोलो सुनाई देता था, आज कोरस भी सुनाई दे रहा है। क्या हुआ अंकल, बड़े डल से लग रहे हो। पता नहीं क्यों अंकल, मेरे आने के बाद से सब कुछ गड़बड़ी हो रहा है ना। आपके सीएम बनने के सारे प्लान बेकार हो गए ना। इन सब का कारण मैं नहीं हूं अंकल, ग्रहों का असर है। हाँ आप एक काम कीजिए, सीधे काशी जाकर वहां की गंगा में नहाकर शनि की पूजा करवा कर आ जाइए, सब ठीक हो जाएगा। अंकल आप काशी की जगह हरिद्वार मत चले जाइएगा, वहां भी आप ही के लोग हैं, ऐसे क्यों देख रहे हैं। अंजलि मुझे चाहती है कहा था, तब आप उसे रोक सकते थे, ना कहके डरा सकते थे, उसके बजाय लड़की दे दूंगा कहकर मारने के लिए गुंडे भी भेज दिए है ना। आपके सारे अटेम्प्ट्स फेल होने की वजह क्या है पता है, प्यार। मेरी हर चाल सफल होने की वजह क्या है पता है आपको, वही प्यार, दैट्स लव। आप अपने दिमाग को चलाकर कुछ भी जीत सकते होंगे, लेकिन प्यार को जीतना आपके बस की बात नहीं है, दुनिया में किसी के भी बस की बात नहीं है। और यह सच है, मैं चाहता तो आपको बिना बताए अंजलि से शादी कर लेता, पर नहीं की, क्योंकि अंजलि आपकी बेटी है, उसका कन्यादान आपको ही करना होगा। ना नहीं कहकर हार मत जाना, आप ही कन्यादान करोगे। कन्यादान करवाऊंगा। क्या हुआ अंकल, घर पर गुंडे भिजवाए थे। मेरी शादी है, इस खुशी में पहले से मैंने अपने गांव वालों को बुला रखा है। आपको एक बात पता है, आपके 10 लोग मिलकर एक को टपकाते हैं, लेकिन मेरे घर में गांव के लोग हैं, सिर्फ एक ही बंदा 10 के बराबर है। अगर आपके लड़के हाथ लगते ना तो हाथ पैर अलग हो जाते उनके। अंकल इस तरह के बेवकूफों वाले काम छोड़कर
जेंटलमैन की तरह अपनी बेटी की शादी करवा दो। है? अब चुप क्यों हो गए? आप शहनाई बजवाओगे या फिर मैं बैंड बजाऊं? क्यों पांडे, आज तेरे को भी मेरे पे हंसी आ रही है ना? हाँ? उसके परिवार के एक भी आदमी को नहीं मार पाया तू? तू गुंडा है और मैं राजनेता। एक नहीं भाई, सब लोगों को मारने भेज दिया है। हाँ, उखाड़ लिया तूने। मेरे मुंह से कुछ गंदा ना निकल जाए, तेरे भेजे ने साला मेरी वाट लगा के रख दी है। पांडे, वो तुझसे ज्यादा बलशाली है, मेरी तरफ बुद्धिशाली है। उसके सामने खड़े होकर उसको जीतना मुश्किल है पांडे। का मतलब उसे छोड़ देंगे का? जीतना होगा पांडे, जीतना होगा। उसने मेरे को चैलेंज किया है, उसके लिए तुझे एक ही को मारना होगा। सिर्फ नाम बताइए, अभी मार डालेंगे। मेरी बेटी अंजलि को। एक बार मैं टपकाने के लिए इतनी दूर बुलवाया था, तूने मुझ पे हाथ उठाया, इसलिए तेरे हाथ पैर तोड़ के समुंदर में फेंक देना चाहिए। लेकिन तुझे इतनी आसान मौत नहीं मारूंगा। जब तक तू जिंदा रहेगा, तुझे लगना चाहिए कि तूने ऐसा क्यों किया, क्यों किया। मरने के बाद तेरी आत्मा को भी पांडे से डर लगना चाहिए। पांडे, तेरी दुश्मनी मुझसे है ना, अंजलि को छोड़ दे। अबे सुन बे, अंजलि को ही मारने की सुपारी है। ऐसे का देख रहा है, शंकर जी ने ही सुपारी दी है। उनसे कोई दावा किया है ना तूने? सब बताया मुझे। लड़की जिंदा रहेगी तो शादी करवाएंगे ना, इसलिए मारने के लिए कह दिया। बेटी को मार कर वो जीत जाएंगे, लेकिन तुझे मार करके हम जीत जाएंगे। Oh, my God.
इश्क में बसती अपनी जान, मूर्त जो रुख तूफानों का, इश्क में है वो पल वो जान। मार डाला अंजलि, भागो भागो भागो। हथेली पे हथेली पे रख ली है अब अपनी जान, इश्क में होता आया है हर कोई कुर्बान। मेरा सब कुछ मेरा सनम, मेरा खुदा है मेरा सनम। हथेली पे रख ली है अब अपनी जान, इश्क में होता आया होता आया है हर कोई कुर्बान। मुन्ना 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 मुन्ना, कितनी बार मैं राजनीति में एमएलए या मंत्री बनने के लिए नहीं आया था, सीएम बनने आया था, उसके लिए कितनी कोशिश की, आखिर मैं विजय का रिश्तेदार बनकर आराम से सीएम बन जाऊंगा सोचा था, ऐसे प्यार करके मेरे सामने आ गया तू, कैसे हाँ करता मैं, कैसे मानता, नहीं होता नहीं होता। उसे रोकने के लिए तेरे परिवार को एक एक करके मारने के लिए कहा मैंने, वो भी नहीं हुआ। मेरे इतने सालों से सजा कर रखे हुए सपने को और तेरे प्यार पर जीत हासिल करने के लिए मैंने अपनी बेटी को मार डालने को कहा, वो भी नहीं हुआ। अब कितनी बार मैं ऐसे नाकाम होता रहूंगा। अब देखो सामने तुम दोनों, मेरे पास सिर्फ एक ही गोली है, तुम दोनों में से किसी एक को मार डालू तो तेरे किए दावे पर मैं जीत जाऊंगा। मार मार मुझे। नहीं, अगर तू भी बच गया तो, डर लगता है कि जैसा तूने कहा था कि मैं खुद अपनी बेटी की शादी तुझसे करवा दूं। यहाँ कौन जिएगा या कौन मरेगा ये जरूरी नहीं है, यहाँ कौन जीतेगा ये जरूरी है। मैं जीतूंगा या नहीं, लेकिन तू नहीं जिएगा, तुझे मैं जीतने भी नहीं दूंगा। मैं शंकर नारायण। ये जो भी करते हैं सबसे अलग ही करते हैं। ऐ मेरे दिली मादा, मुझे माफ कर दो। क्यों पापा? मैं तुम्हें समझ नहीं पाया और घर से बाहर निकाल दिया, कितना दुख सहा होगा तूने। मैं आपका बेटा हूं, आप जो चाहे कह सकते हैं, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, मेरे लिए सब कुछ आप ही हो। पापा ta 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 ta